हे एवरीवन, वेल यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन नई वीडियो टाइम पर आ गई। वैसे मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि वाटर कलर्स का मुझे उतना ही ज्ञान है जितना कि इन जनाब को राजनीति का। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। खैर, आगे बढ़ने से पहले वो कांड देख लो जो मैंने दिसंबर में किया था, और उसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हाल कुछ ऐसा था कि पेंटिंग करने की गजब की चुल मची हुई थी। बस फिर क्या, जोश जोश में पेंटिंग करना शुरू कर दिया। रेफरेंस इमेज बहुत प्यारी थी और फोटो में जो महिला है वो और भी ज्यादा प्यारी थी। लावण्या नाम है इनका, लेकिन किसी को बताना मत। कलर्स तो मुझे वैसे भी नहीं दिखते, इसलिए सोचा कि मोनोक्रोम ही करता हूँ। ब्लैक कलर उठाया और लग गया पेंट करने। बहुत जल्द मुझे समझ आ गया था कि जो मैं चाह रहा हूँ ये वैसा नहीं हो रहा। मैं पेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और टोनल वैल्यूज़ को जज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं खुश नहीं था। तो आउटलाइंस कंप्लीट हो गई हैं और अब रंग भरने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस बार कोशिश करूंगा कि वाटर कलर्स को वाटर कलर्स के जैसा ही करूं, वो टिपिकल पानी और भीगा भीगा सा इफेक्ट। इसकी तो वैसे पेपर की अगर बात करूं तो मैं ब्रूस्टो की 25% कॉटन 300 GSM वाली पेपर यूज़ कर रहा हूं। ये वाटर कलर्स के लिए ही आती हैं और काफ़ी अच्छी हैं। पेंट्स और ब्रशेस भी मैं ब्रूस्टो की ही यूज़ कर रहा हूं। ज़्यादा कुछ है नहीं इस पेंटिंग में करने के लिए, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आर्ट एक जर्नी की तरह है जिसमें आप अकेले ही निकलते हो और आपसे लोग जुड़ते चले जाते हैं। गोल बस इतनी सी थी कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा और अगले वीडियो में कुछ बढ़िया बनाऊँगा। आज यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। पेंटिंग कैसी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।